ठाकरे ने भीड़ नियंत्रण को लेकर पीएम मोदी से किया राष्ट्रीय नीति बनाने का आग्रह। जबलपुर से हरिद्वार के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सेवा हुई बहाल। पीएम मोदी के सर्टिफिकेट से यूपी सरकार की अर्थव्यवस्था की सच्चाई नहीं छुप सकती। कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी का हमला। तो क्या यूपी में भी स्थगित होगी कांवड़ यात्रा? सीएम योगी के आदेश पर प्रशासन कर रहा कांवड़ संघ से बातचीत। कश्मीरी पंडितों का आंदोलन 288 दिनों से जारी, प्रशासन की बेरुखी से है गुस्सा। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के श्यामगंज चौकी के गंगापुर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक डेयरी संचालक ने 4 नाबालिग सहित 5 लोगों को बंधक बनाकर पीटा। बच्चों की रस्सी से बांधकर मोबाइल चोरी को स्वीकार कराने के लिए करंट भी लगाया। परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने बच्चों को डेयरी संचालक के चंगुल से आजाद कराया। परिजनों के मुताबिक डेयरी संचालक अवधेश यादव और उसके साथियों ने बच्चों को गाय भैंस बांधने वाले खूंटे से बांध रखा था। बच्चों के मुताबिक अवधेश ने उनको बुरी तरह मारा पीटा और बिजली का करंट भी लगाया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डेयरी संचालक सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सिटी रविंद्र कुमार के मुताबिक मुकदमे में नामजद आरोपियों के खिलाफ टीम गठित कर दी है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जे इन्होंने मेरे बच्चों को सवेरे 6 बजे ले गए उठा के, लड़का को मेरे को। अच्छा। और एक लड़का गंगापुर से लिया, 2 सकलेपुर से लिए। तो जे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी चोरी हो गई है, तो जिन लड़कों ने कहा था करिए, तो उन लड़कों ने मना करी और इन्होंने ज़बरदस्ती उनको मार मार के उनके करंट लगाए और घर में बंद करके इन्होंने मारा। पता भी नहीं चली है किसी को कहाँ रखा कहाँ नहीं। जब हमें पता चली है तो हम छुड़ा के लाए। इन्होंने बांध के धूप में रखे बच्चे ने को ताई और करंट लगा के मारा है। अच्छा, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो किस हालत में थे बच्चे? रस्सी में बंधे हुए थे और बहुत कांप रहे बच्चे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, धूप में बैठे हुए थे। अब आप क्या चाहते हो? अब हम जो चाहते हैं हमारे बच्चों को इंसाफ मिले, और क्या चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से, जहां पंचायत चुनाव में हुई धांधली व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक विजय पासवान के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय से निकलकर रोड पर योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सपा का प्रदर्शन पार्टी कार्यालय से जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर तक चली, जहां राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सदर SDM को देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व विधायक विजय पासवान ने सरकार पर हमला करते हुए ये आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पुलिस व प्रशासन के दम पर जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली की है और जिस प्रकार बंगाल में बीजेपी को जनता से हराया है, वैसे ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। भारत सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब जमीन पे उतर के, ये जो विरोधी सरकार है, जो चाहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हो, जो समाजवादी पार्टी जो कैंडिडेट जहाँ जहाँ थे अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको खिलाफ मुकदमा लिखने काम किए हैं, हमारे लोगों को सताने काम किए, जनता का खून चूसने काम कर रहे हैं, इनको एहसास नहीं है। लेकिन जैसे आपके बंगाल में जो चुनाव में इनको मुक्का मार के भेज दिया वहाँ की जनता, आज ये खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, आज ये बीजेपी सरकार योगी सरकार ज़बरदस्ती अपने पुलिस बल के दम पे, अपने प्रशासन के दम पे ज़बरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष जिताने काम कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुखों को ज़बरदस्ती जिताने काम कर रहे हैं, उसके ये विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी का आखिरी नहीं है, हमेशा सिर्फ एक ही समाजवादी पार्टी है जो ऐसे योगी भरत सरकार का हम लोग विरोध करते हैं और किसी पार्टी में दम नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी नौजवानों में तमाम बहुत उत्साह है, तमाम हमारे कपिल वस्तु विधानसभा के सारे वरिष्ठ नेता और जनतागढ़ नौजवान सबसे ज़्यादा इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम लोग का शुरुआत है 2022 तक, जब तक ये योगी सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देंगे, हमारे नौजवान एकजुट होकर इसका विरोध करते रहेंगे। और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे भी छोटा सा भी कार्यक्रम होता है तो इतना फोर्स लगा देते हैं, लगता है कि हम लोग कोई स्मगलर है, कोई तमाम हम लोग खुरापाती लोग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुरापात ये सरकार कर रही है और जितना भी दबाव बनाएंगे हमारे समाजवादियों पे, हम लोग दबने वाले नहीं हैं। आर पार की लड़ाई होगी 2022 में।
खबर है उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां थाना फैजगंज बहटा क्षेत्र के अंतर्गत चंदौसी इस्लामनगर मार्ग पर श्याम कोल्ड के समीप साहू खान चंद कोल्ड स्टोर से अपनी बाइक से अपने गांव कैथल कोतवाली चंदौसी जा रहे सुरेंद्र 28 पुत्र शेर सिंह, लक्ष्मण 25 पुत्र हीराराम को इस्लामनगर की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। उन्होंने थाना पुलिस को लाश न उठाने दी, जिससे सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। कई थानों की फोर्स के साथ बिशौली SPM महिपाल सिंह, बिशौली CO विपिन चौहान, इस्लामनगर थाना SO फैजगंज इंस्पेक्टर अजय चाहड़ के साथ मौके पर पहुंच गए। शाम 6 बजे के करीब जाम खुला। मृतक के घर वाले एक्सीडेंट नहीं मानते हैं। उन्होंने जाहिद पुत्र वाहिद, सानू पुत्र वाहिद, ग्राममई थाना चंदौसी के खिलाफ तहरीर दी है। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। महाराजगंज में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसांगित संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन संयुक्त चिकित्सालय महाराजगंज में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश मंत्री राम उग्रह और अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने शुभारम्भ किया, जिसमे समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े गरीब असहाय लोगों की सेवा करना ही सच्ची सेवा है। भारतीय जनता पार्टी के इसी ध्येय वाक्य को सिरोधार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भारतीय जनता पार्टी प्रणित द्वारा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक के जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शैलेश कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष महाराज। यहाँ पे आपका किस तरह का प्रोग्राम था? ये जो पूरे प्रदेश का कार्यक्रम है, ब्लड डोनेट कार्यक्रम, राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक जी का जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम रखा गया है। और पूरे जिले के महाराजगंज के जिले के कार्यकर्ता यहाँ अपना जो है सहभागिता निभाए हैं, और हमारे भाई लोग ब्लड भी डोनेट किए हैं। ब्लड डोनेट करने का क्या उद्देश्य है? बस समाज में अच्छा, इसका एक अच्छा संदेश जाएगा गरीब लोगों को, जो गरीब होंगे, असहाय होंगे, जिनको ब्लड की आवश्यकता रहेगी, उनके तक ये ब्लड जो है निःशुल्क पहुंचता रहेगा। खबर है उत्तर प्रदेश के इटावा से। इटावा के भरतना में कार्यक्रम में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जनपद में सदस्यता अभियान शुरू किया। जनपद की प्रत्येक विधानसभा में 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सांसद ने पार्टी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पदाधिकारियों को 30 दिन का समय दिया है। सांसद के भरतना विधानसभा में आने पर जोरदार स्वागत किया गया है। बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं, और मैं पोरवाल साहब को बताना चाहूंगा, जब दिल्ली में सरकार बनी तो केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया के स्कूलों का दौरा करने जाते थे, और जब स्कूलों को देखते थे तो वहां मकड़ी के जाले लगे होते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। जिन स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे थे, आज वहां पर एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है। हमारे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष जी, इधर तो आ जाइए, आप वहां क्यों चले गए भाई, इधर आइए मंच पर। फैसल वारसी साहब, तो साथी वहां पर जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा हमारे स्कूल का मॉडल, हमारे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल। मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, और अगर एक महीने से ज्यादा ऑपरेशन का आपको टाइम मिल जाए तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेना, पूरा पैसा केजरीवाल की सरकार देगी। ये हमारा स्वास्थ्य का मॉडल। हमारे स्वास्थ्य का मॉडल क्या है? फरिश्ते स्कीम हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी स्कीम है जो आपसे कहती है, अगर रास्ते में कोई रोड एक्सीडेंट में आदमी मिल जाए तो छोड़कर भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, 2,000 रुपए अस्पताल पहुंचाने का हमसे लेना, और इलाज में अगर 50,00,000 रुपए भी खर्च होता है तो इसका इलाज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। यह है दिल्ली का मॉडल जिसकी चर्चा हमें करनी है। और आदित्यनाथ का मॉडल क्या है? यहां पर मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने को मिलती है, और अगर इस पर कोई रिपोर्टिंग कर दे मीडिया वाला तो उस पर मुकदमा अलग हो जाता है। मिर्जापुर में क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में, आप सब लोग जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है, हम लोगों ने बचपन से सुना डाकू फरार, चोर फरार, माफिया फरार,
यहाँ महोबा का एसएसपी फरार है, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या करा था, एसएसपी फरार है। यह हालत हो गई कानून व्यवस्था की। हमने अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखा, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा, अपहरण किया जा रहा था सदस्यों का, उनको अपहरण कर करके थाने में ले जाके दबाव बना के उनके परिवार वालों का अपहरण करके वोट लिया गया। एक एक करोड़ डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए की बोली लगाई गई जिला पंचायत सदस्यों की। यह है उत्तर प्रदेश में, यह कुछ हुआ है आदित्यनाथ जी के राज में। तो इसलिए इन लोगों से उत्तर प्रदेश को बचाना होगा। केजरीवाल जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो क्या पूछते हैं आप लोगों से? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।